कहानियां जब किरदार में उतरती हैं, तो कई मासूम सवालों के साथ उतरती हैं। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला और गांव सराय ढोक माखी पोस्ट माखी ये कोई अनजाना नाम नहीं है। इस गांव में कुलदीप सिंह सेंगर नाम का व्यक्ति रहा करता था। हर काम में तेज कुलदीप अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि अपने ननिहाल में भी सबका लाडला रहा। कमल सिंह उर्फ मुलायम सिंह की तीन संतानों कुलदीप अतुल और मनोज में कुलदीप सबसे बड़ा है। सबसे छोटे भाई मनोज की कुछ समय पहले हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। माखी कुलदीप की ननिहाल है। बचपन से ही वह इसी गांव की माटी में पलकर बड़े हुए। उनके नाना लंबे समय तक ग्राम प्रधान रहे। नाना चाहते थे कि आगे चलकर समाज सेवा की ये विरासत कुलदीप संभाले। ये खूबियाँ उन्हें अपने नाती कुलदीप में ही नजर आईं। गांव के कुछ लोग भी यही चाहते थे कि कुलदीप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े। कुलदीप चुनाव लड़े और सबसे कम उम्र के प्रधान बने। 15 साल तक उन्होंने प्रधानी की। फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर के छोटे भाई अतुल सिंह की पत्नी माखी की प्रधान है। इधर कुलदीप ने गांव में कई कार्य भी करवाए। उनकी गिनती एक तेज तर्रार प्रधान के रूप में होने लगी, जो अपनी बात बेबाकी से कहता ही नहीं बल्कि कार्य कराता भी है। इस कारण लोग उनसे जुड़ भी पाए। हालांकि उनकी शैक्षिक योग्यता कोई ज्यादा नहीं है, पर रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1992 में उन्होंने राजा शंकर सहाय इंटर कॉलेज उन्नाव से 10वीं पास की। लंबे समय तक प्रधान रहते रहते उनका मन भारतीय राजनीति में कदम रखने का हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वे काफी प्रभावित हुए और राजनीति में पदार्पण कर दिया। पर शुरुआत उनकी मायावती की पार्टी से हुई। वर्ष 2002 में वह उन्नाव सदर क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए। वर्ष 2007 में वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और बांगर मऊ से विधायक चुने गए। वर्ष 2012 में वह पुनः समाजवादी पार्टी के टिकट पर बांगर मऊ से एक बार फिर विधायक चुने गए। वर्ष 2017 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बांगर मऊ से विधायक चुने गए। उनकी पत्नी संगीता भी एक राजनीतिज्ञ है, जो जिला उन्नाव की पंचायत अध्यक्ष है। उनकी दो बेटी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।